मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से मैं अरुण मिश्रा आपके सामने एक नए टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नेटवर्क क्या होता है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं, हर नेटवर्क की संरचना क्या होती है, नेटवर्क का स्ट्रक्चर, नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या होती है। दोस्तों जैसा कि हम आप जानते हैं अक्सर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है लैन वैन मैन। दोस्तों जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं, एब्सोल्युटली आपको 3 बताना है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसका यूज हम अपने ऑफिस में, अपने सोसाइटी में, अपने बिजनेस में करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड मतलब फैला हुआ, स्प्रेड, जैसे कि हमारे इंडिया का नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब होता है, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है मित्रों महानगर, एक महानगर को दूसरे महानगर से जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है उसे हम मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि लैन का पूरा नाम, तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन का काम हमारे लोकल बिजनेस, ऑफिस, सोसाइटी में नेटवर्क को स्थापित करना होता है। वैन का उपयोग हमारे भारत में, देश में, हमारे कंट्री में नेटवर्क को स्थापित करना होता है। और मैन का कार्य होता है हमारे एक महानगर से दूसरे महानगर को जोड़ना नेटवर्किंग के लिए। दोस्तों आइए हम आप सीखते हैं कि नेटवर्क की संरचना क्या होती है, यानी नेटवर्क की कनेक्टिविटी तो हमने सीख ली, अब इसका डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, हमारी किस आवश्यकता में हमें कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहिए हमारे डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटाबेस के लिए, आइए हम आप सीखते हैं। तो दोस्तों आपने नेटवर्क में सुना होगा टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टोपोलॉजी? नेटवर्क को स्थापित करने के लिए एक संरचना बनाते हैं कि हमारी क्या आवश्यकता है, डेटा को कैसे ट्रांसफर करना है। तो नेटवर्क की संरचना को हम टोपोलॉजी कहते हैं, नेटवर्क की संरचना, स्ट्रक्चर, नेटवर्क के स्ट्रक्चर को हम टोपोलॉजी कहते हैं कि हमारे नेटवर्क किस मॉड्यूल में डिजाइन किया गया है। दोस्तों टोपोलॉजी के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रिंग टोपोलॉजी। दोस्तों ये जो आपका रिंग टोपोलॉजी होता है, कुछ रिंग से शेप में इसकी कनेक्टिविटी करते हैं, इसका जो कनेक्शन करते हैं कुछ रिंग सा। जैसे मित्रों आपने कभी रिंग देखी, अंगूठी, एब्सोल्युटली आपने देखी होगी, उसका शेप कुछ ऐसा होता होगा। कुछ है कभी कभी आप कुछ ऐसी ऑफिस में काम करते हैं जहां पर शेयरिंग वर्क होता हो, यानी हमारा कुछ, जैसे हमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन मैं टोटल सॉफ्टवेयर का तो एक्सपर्ट हो नहीं सकता, मैं कुछ कोडिंग का एक्सपर्ट हो सकता हूँ। सपोज दैट मैं वेब डिजाइनिंग में वर्क कर रहा हूँ तो मैं कुछ डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो सकता हूँ, और हमारे पास हमारी पूरी टीम है। तो मित्रों जैसे हमने किसी वेबसाइट का हैशटैग यानी हेडिंग बनाकर अपने दूसरे मित्र के पास ट्रांसफर कर दिया, फ्रेंड बी के पास, फ्रेंड बी ने उसका एक फॉर्मेट तैयार किया, उसने फ्रेंड सी के पास ट्रांसफर किया कि अब मैंने इसकी थीम तैयार कर दी। अब सी जब उस फाइल को कंप्लीट कर लेगा, यानी उसमें कुछ करेक्टर्स सी ने इंक्लूड किया, अब सी करेक्टर्स इंक्लूड करने के पास डोमेन रेडी करने के लिए डी के पास दिया, अब डी ने उस फाइल को चेक करने के लिए ई को दिया। जब ऐसी शेयरिंग का वर्क हो, इस टाइप का वर्क हो कि पहले एक स्टेप हो उस वर्क का, फिर दूसरा स्टेप हो, फिर तीसरा स्टेप हो, फिर चौथा स्टेप हो, काम को शेयरिंग में करते हैं, तब हम कुछ रिंग टोपोलॉजी जैसे स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। मित्रों आपकी जो अगली टोपोलॉजी आती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है। स्टार का मतलब दोस्तों आपने सुना होगा तारा होता है, सेम तारे की जैसी, जैसा जिसका नाम है, जिस टोपोलॉजी का जैसा नाम मित्रों वैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। मित्रों तारा यानी स्टार में कितने
पॉइंट्स पाए जाते हैं 5, एज सेम एज हियर। दोस्तों इसमें ये इससे कनेक्ट नहीं होगा, इसमें ये सारे कंप्यूटर इस मेन हब से कनेक्ट होंगे। हब जो मेन जगह होती है जहां पर सारे सिस्टम्स आगे जुड़े होते हैं। अब ये किस प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है? ये ऐसे कार्यों में उपयोग किया जाता है जैसे एक कंपनी का एक ऑनर है और वो सबका वर्क डिवाइड करे कि ये अकाउंटिंग का जो इनकम हुआ है, इनकम की अकाउंटिंग आप करोगे नेटवर्क ए, इनकम की इन्वेस्टमेंट की नेटवर्क बी, उसमें जो भी पेरोल सिस्टम हुआ है वो नेटवर्क सी, सैलरी के लिए नेटवर्क डी और टोटल प्रॉफिट लॉस के लिए नेटवर्क ई। एक बॉस के बीच में जिसे हब कहेंगे, उन्होंने सबको वर्क डिवाइड करके दे दिया कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, सब वर्क कंप्लीट करके बॉस को देंगे। इसमें आपस में किसी एक दूसरे व्यक्ति का कोई कनेक्शन नहीं होता। ऐसी संरचना को मित्रों हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, जो इस टाइप्स के वर्क में उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों जो अगली हमारी टोपोलॉजी होती है उसे हम बस टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। बस दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। ये टोपोलॉजी ठीक बस की तरह ही कार्य करती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है, या एग्जाम में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिले तो तुरंत आपको समझ जाना है कि ये बस टोपोलॉजी है। अब दोस्तों बस टोपोलॉजी का इस स्ट्रक्चर से क्या कनेक्शन है? सपोज दैट हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और वर्क कुछ ऐसा है जो शेयरिंग का हो या पर्सनल फिक्स्ड वर्क है कि इनका ये काम है, इनका ये काम है। अब इन्होंने एक फाइल तैयार की, फाइल तैयार करके भेज दिया कि सिस्टम सी के पास इस फाइल को पहुंचा देना। नेटवर्क जा रहा है, ऐसे जाता रहता है नेटवर्क, इस मित्रों यहां से आता जाता रहता है, इस लाइन में रन कर रहा है नेटवर्क। अब सिस्टम ए ने एक फाइल डी नेटवर्क पे डाल दी कि सिस्टम सी इसको देख ले। अब ये जा रहा है, जब सी के पास पहुंचेगा तो सी का सर्वर एड्रेस में पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिकली सी के पास एज अ मैसेज पहुंच जाएगा। सपोज दैट सी ने मैसेज दिया है कि हमारा नेटवर्क, हमारी ये फाइल बी के पास पहुंचनी है। नेटवर्क वापस वहां तक जाएगा, जब वापस आने लगेगा तो बी को वो फाइल प्रोवाइड कर देगा। इस तरह मित्रों सब अपनी अपनी फाइल इस सर्वर पे डालते रहते हैं और जिस सर्वर का नाम उस पे डाल, जिस नोड का नाम, नोड का मतलब कंप्यूटर का पता, NODE, कंप्यूटर के एड्रेस को नोड कहते हैं। जैसे हम आप कहते हैं हमारे घर का एड्रेस, वैसे हम कहते हैं हमारे कंप्यूटर का नोड। तो नोड कंप्यूटर का एड्रेस है। तो जो भी एम्प्लॉई जिस नोड नंबर, जिस नोड को डालेगा उसी सिस्टम पर हमारी वो फाइल चली जाएगी और हमारा सर्वर इस लाइन पर रन करता रहेगा एज अ बस। यहाँ से पैसेंजर बैठा उसको यहाँ उतरना है, कुछ पैसेंजर यहाँ बैठे उनको यहाँ उतरना है, ऐसा कुछ हमारे बस टोपोलॉजी का काम होता है। अगली टोपोलॉजी मित्रों हमारी होती है ट्री टोपोलॉजी। जैसे कि हम आप देख रहे हैं एक गुरुकुल प्रणाली जैसे सिस्टम में हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, एक नेचुरली तरीके से हम आपको ये ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं इस लॉकडाउन के सिचुएशन में। तो काफी पेड़ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पेड़ ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़। सबसे पहले रूट, उस रूट से स्टीम निकलेगी, ब्रांचेस निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, वो डिवाइड होंगी, फिर वहां से कुछ और टहनियां निकलेंगी, वो वहां डिवाइड हो जाएंगी, यहां हो सकता है उससे एक डिवाइड हो, कुछ पेड़ के जैसे इसकी आकृति। पहले जड़, फिर उसका तना, फिर उसकी शाखाएं, फिर शाखाओं में शाखाएं ऐसे निकली होती है दोस्तों। अब ये हमारे मेन सिस्टम है हब। यहां से हमारी कुछ फाइल ट्रांसफर की गई, हमारी ये फाइल एक ए एक बी के पास दिया गया, कोई एक टास्क दिया हमारे बॉस ने कि ये टास्क तुमको, तुम दोनों को मिलकर करना है, और यहां से इन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये टास्क बी का है, ये टास्क सी का है। अब ये डेटा को आपस में शेयर करके अपने वर्क को करते हैं। जब ऐसा कुछ वर्क हो कि एक बॉस वर्क दे अपने इंजीनियर को, इंजीनियर अपने जूनियर इंजीनियर को, जूनियर इंजीनियर अपने इम्प्लॉयज को प्रोवाइड करें, जब ऐसा हमारा वर्क आपस में डिस्ट्रीब्यूट होने लगे तो केवल और केवल कंप्यूटर पे, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे ट्री टोपोलॉजी कहेंगे, या ऐसे नेटवर्क सिस्टम में हम ट्री टोपोलॉजी की स्थापना करते हैं। मित्रों अगली जो हमारी टोपोलॉजी होती है वो मेस टोपोलॉजी होती है।
दोस्तों, जैसे हम आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आपस में सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हर बंदा ऑफिशियल वर्क करेगा नहीं, इंटरनेट या नेटवर्क का उपयोग केवल ऑफिस के लिए नहीं बना, केवल बिजनेस के लिए नहीं बना, एजुकेशन के लिए नहीं बना, ये सोशल नेटवर्किंग के लिए भी बना है। तो सोशल नेटवर्क में क्या होता है दोस्तों, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर से दिखाना चाहूंगा, मिस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर। दोस्तों यहाँ कोई बॉस नहीं होता और सब बॉस होते हैं। जैसे ये सिस्टम इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ और ये इससे कनेक्ट हुआ, आपस में एक से ऐसे कनेक्ट हो गए। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है मित्रों, ये इस सिस्टम से कनेक्ट हो गया और ये इस सिस्टम से कनेक्ट हो गया। अब ये सिस्टम इससे कनेक्ट हो गया, ये सिस्टम इससे कनेक्ट हो गया। और ध्यान से देखिए मित्रों, ए बी सी डी ई, ये पांचों सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। किसी भी सिस्टम को आप देख सकते हैं सेपरेटली, किसी की जरूरत नहीं है किसी दूसरे से जुड़ने के लिए। किसी भी सिस्टम को, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा, ये इससे भी जुड़ गया और ये इससे भी जुड़ा है। ये हमारी सोशल नेटवर्किंग की टोपोलॉजी होती है, मेस टोपोलॉजी। जब हमें ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी जहां कोई बॉस ना हो और जहां सभी बॉस हो, ऐसी सिचुएशन में हम मेस टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं। मित्रों ये रही हमारी टोपोलॉजी, अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ होंगे। थैंक यू।